चलिए करते हैं लोग हमारी कुछ खास खबरों की ओर। दिखाने जा रहे हैं आपको जयपुर से खास समाचार, जहां पर जयपुर के डॉक्टर शब्बीर खान को बक्स संपत्ति संरक्षण विंग का बनाया गया प्रदेश महामंत्री, संभालेंगे राजस्थान की बागडोर। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि राजस्थान की अगर मैं बातचीत करूं, हमारे देश में वक्फ कानून होने के बावजूद भी क्यों इस इकाई का, क्यों इस विंग का निर्माण किया गया है, ये एक बड़ा सवाल है। चलिए हमारे संवाददाता आशीष शर्मा की दिखाते हैं खास बातचीत डॉक्टर शब्बीर खान के साथ। नमस्कार, आवाज न्यूज 24 में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ में जुड़े हैं डॉक्टर शब्बीर खान। डॉक्टर शब्बीर खान वक्फ संपत्ति संरक्षण विंग के महामंत्री हैं, प्रदेश महामंत्री। तो आज हम इनसे कुछ बातें जानना चाहते हैं। तो सबसे पहले तो आपको बधाई हो। आपको भी। तो आपसे सबसे पहले एक ये बात पूछना चाह रहे हैं कि जब वक्फ बोर्ड पहले से बना हुआ था तो ये नया क्यों गठन किया गया, इसका इसके पीछे उद्देश्य क्या है? आप जानते हैं कि भ्रष्टाचार इतना ज़्यादा बढ़ गया है और हमारे पूर्वजों ने जो जितनी भी भूमियाँ थी उनके पास में, उसमें से कुछ हिस्सा वक्फ बोर्ड को इसलिए दी गई थी कि उनकी वो हिफाजत करे जी। आज वो हिफाजत करने में असफल रह रही है। हर जगह वक्फ बोर्ड की ज़मीनों पर कब्जा हो रहा है, हर या तो बेची जा रही है, जबकि उन्हें कोई ऐसा अधिकार नहीं है। इसलिए मजबूर होकर हमारे जनाब शकील अहमद साहब और रईस अहमद कुरैशी साहब ने इस संस्था का गठन करना उचित समझा। तो मैं आपसे एक और बात पूछना चाहता हूं कि अभी अभी ये जो वक्स आपके जो संपत्ति का जो विंग है, ये कहां कहां कार्य कर रही है? इस समय हम राजस्थान में पूरी तरीके से काम कर रहे हैं, गुजरात में बहुत अच्छा काम चल रहा है हमारा, महाराष्ट्र में काम चल रहा है और बिहार में काम चल रहा है और पश्चिम बंगाल में काम चल रहा है और साथ में केरल में गठित हो चुकी है। तो एक बात और बताइए, अभी क्या इस विंग से कोई आपको सफलता भी प्राप्त हुई? इस विंग से हमें, मैं अभी सिलौर गांव गया था तो वहां करीब 2.5 बीघा का कब्रिस्तान था, उसमें हमें सफलता मिली है जी। और एक सफलता मिली है हमें गुजरात में, जो नरेंद्र मोदी जी का क्षेत्र है खंबात, उसमें 1400 साल पुराना कब्रिस्तान कई बीघाओं में जो बिल्कुल मिट्टी डाल करके उसको बराबर कर दिया गया और उस पर दुकानें बना दी गई। हमारे मंत्री महोदय शाहीन बानो का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने उस कब्रिस्तान को बिल्कुल आज़ाद करवा लिया है। तो आपको क्या लगता है कि इस तरीके के जो कब्र से निकाले गए थे, क्या ये कब्रिस्तान जो निकाला गया, क्या अपने राजस्थान में भी ऐसे कुछ है? राजस्थान में बहुत सारी जगह है, अभी आप देखेंगे घाट गेट पर बिल्कुल कब्रिस्तान के बिल्कुल जोड़ पर दो दुकानें बना करके कब्जा कर लिया गया है। वक्फ बोर्ड बिल्कुल अंधा होके बैठा हुआ है। वक्फ बोर्ड तो ये हो रहा है कि मुसलमानों का रहनुमा बनकर भी मुसलमानों को खा रहा है। अच्छा, दूसरा मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं, अब राजस्थान में आप क्या कदम उठाना चाहते हैं? राजस्थान में हम जहां पर भी हमारे वक्फ बोर्ड की संपत्तियां हैं जो हमारी खाली पड़ी हुई हैं, उन पर हम चाहेंगे कि कॉलेज बने, मुसलमान बच्चों को तालीम मिले सबसे, और दूसरा अस्पताल बने, सबको अच्छी से स्वास्थ्य सेवाएं मिले। इसी प्रकार के हम और भी जो हमारे कब्जा कर रखा है जिन लोगों ने, उन लोगों को मैं चेतावनी देना चाहता हूं कि अब वक्फ बोर्ड से तो वो लोग बच गए, हम लोगों से अब वो नहीं बचेंगे। तो अब आपके राजस्थान के अंदर जिस तरीके से आपका यहाँ पे कार्य चल रहा है, तो क्या यहाँ पर भी आप कुछ लोगों को पद देंगे यहाँ पे? यहाँ पर भी हम अपने कोटा है, भीलवाड़ा है, सब जगह के करीब करीब मैं 13 जिलों के जिलाध्यक्ष नियुक्त कर चुका हूँ और अब जिम्मेदारी, आज ही मुझे नई जिम्मेदारी मिली है। मैं चाहूँगा कि करीब पूरे राजस्थान को मैं कवर करके और एक बहुत अच्छे तरीके से इसको मैं संगठन को मजबूत करूँ और जो कौम की ज़मीन है वो कौम के काम आए। एक ये जो करबला वाला जो मुद्दा था 250 वार्ड के जो क्रिकेट वाला, उसमें आपको क्या आपत्ति थी जो आपने वो उसके लिए? वही बात हो रही है आशीष जी कि जो मुसलमानों की संपत्ति है, जिस पर केवल मुसलमानों का हक है, उस पर एक मंत्री महोदय अपने प्रेशर में आकर के और वहाँ पर पिच बनवा रहे हैं और उस पिच पर क्रिकेट खेला जाएगा। वो धीरे धीरे लोगों की सोच ऐसी बदल देगा कि वो सरकारी ज़मीन बन करके और उसको स्टेडियम में कन्वर्ट कर देंगे। तो वो वक्फ बोर्ड की ज़मीन है, किसी सरकारी ज़मीन नहीं है। दूसरा, ख्वाजा मैनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के जब उर्स आते हैं तो वहाँ पर भी गाड़ियाँ आती हैं, सारी गाड़ियाँ वहाँ रुकती है, मुसलमानों का सालाना जलसा होता है। फिर अगर ऐसे ही ज़मीनें रुक जाएंगी तो फिर हमारे मुस्लिम कौम के कहाँ प्रोग्राम होंगे?
ठीक है, तो ये राजस्थान में भव संपत्ति संरक्षण विंग का मुझे महामंत्री बनाकर सबसे पहले मैं उन लोगों को बधाई दूंगा जिन्होंने मुझे इतना बड़ा पद दे करके और सम्मानित किया है। मैं इस पद के लायक हूं या नहीं हूं इस चीज़ को मैं नहीं बता सकता, क्योंकि मैं हमेशा काम में विश्वास रखने वाला आदमी हूं और काम के आधार पर ही मुझे इस 2 महीने के अंदर 4 बार प्रमोशन मिल चुका है और ये 4th प्रमोशन है। अब आगे क्या होगा ये महामंत्री, हमारे राष्ट्रीय महामंत्री रईस अहमद कुरैशी और राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भाई जाने, लेकिन अब हम राजस्थान में बहुत ही जल्दी एक कार्यकर्ता सम्मेलन बुलाएंगे, उसमें प्रशिक्षण शिविर देंगे, हर आदमी को बता देंगे कि बप की हमारे अधिकार क्या क्या हैं, हम किस तरीके से हमें काम करना है और हमारी जो संपत्तियां हैं उनको छुड़ानी है। आगामी चुनाव के लिए क्या आपका क्या इसके कोई उद्देश्य है इसको लेकर? हमारी ये बप संपत्ति संरक्षण विंग जो है वो हमें किसी पार्टी से हमें कोई मतलब नहीं है। हम कांग्रेस की सरकार रहेगी तब भी हम हमारी सरकार से हमारी लड़ाई चलती रहेगी, और अगर बीजेपी सरकार भी आएगी तो भी हम हमारी कौम की भलाई के लिए जो काम होंगे वो हम करेंगे। तो आपकी कौम की भलाई के लिए आपका जो आगे आगामी जो चुनाव है उसके अंदर कुछ रणनीति है कि आप कोई इलेक्शन लड़ें या उसके लिए कुछ आपने कुछ सोचा हो या सिर्फ आप ये कार्य ही करना चाहते हैं? नहीं, हम केवल समाज के काम करते हैं। जो रहनुमा बने हुए हैं, चाहे वो बीजेपी का रहनुमा बन रहा हो मुसलमानों का, चाहे कांग्रेस का बन रहा हो, लेकिन वो सच्चाई में रहनुमा है नहीं। अभी जालौर में दरगाह तोड़ी गई, मैंने बीजेपी वालों को भी संपर्क साधा, मैंने कहा भाई आप रहनुमा हैं आप भी आवाज़ उठाइए, लेकिन किसी ने भी कोई आवाज़ नहीं उठाई और मजबूर होकर के हमें ही मुख्यमंत्री महोदय को और राज्यपाल महोदय को ज्ञापन देने पड़े प्रत्येक जिले से।